तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विंडोज़ या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह तो यूज़ करते ही होंगे। तो जो बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताऊँगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो विंडोज़ है वो पेड आता है। हालांकि पेड भी आता है और बहुत सारे लोग इसे क्रैक भी कर लेते हैं। बेसिकली इन दोनों में क्या एक्चुअल डिफरेंस है वो जानेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, छोटी सी इंट्रो के बाद। बेसिकली दोस्तों, विंडोज़ का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1985 में हुआ था, यानी कि 1985 में हुआ था। एक इसमें नॉर्मल ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मिला था जब ये 1985 में लॉन्च हुआ था। यहीं पे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये 1991 में लॉन्च हुआ था। और ये इसका जो अभी तक भी है और उस टाइम भी था, एज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, तो ये 1991 में आया था। एंड दोस्तों, जो विंडोज़ का एक जो सेकेंड ड्रॉबैक है वो है कि ये फ्यू कस्टमाइजेबल है, यानी कि बहुत कम चीज़ें इसमें कस्टमाइज हो सकती हैं। बस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा है, जैसे बोल सकते हैं आप, हाईली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आपको अगर कमांड्स वगैरह का नॉलेज है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी। मतलब इन पे आप अच्छे से काम कर सकते हो। बेसिकली अभी नहीं कि कोई गूगल एप्लीकेशन है, आप चाहो तो लिनक्स पे जाके वहाँ पे उसे कस्टमाइज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आप बेसिकली इस पे काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हो अगर आपको लिनक्स कमांड्स वगैरह पे काफ़ी अच्छी अगर नॉलेज है। एंड दोस्तों, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री टू यूज़ है। इवन यहाँ तक कि अगर बात सामने आई है कि जो मॉडिफाइड वर्जन है वो चाहे तो सेल कर सकते हैं, बट बेसिकली जो है वो लिनक्स फ्री टू यूज़ है। वहीं अगर मैं बात करूँ विंडोज़ की, तो विंडोज़ में आपको 7 से 8 हज़ार का लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे शुभम सर, एक गेट पास बना दो ना। तुम्हें अभी आना था, कहाँ जाना है? सर घर जा रहा हूँ, तो बना देना है छोटा सा। कितनी देर बाद है? मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में ना। एंड दोस्तों, अगर आपको लिनक्स की कमांड वगैरह आती हैं, तो उसमें एक बेनिफिट है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लिनक्स के कमांड के थ्रू, जो कि आप एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ही ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइजेबल के लिए, लेकिन अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई एक पेन ड्राइव बनाओगे बूटेबल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड वो अगर पेन ड्राइव आप फॉर्मेट करोगे विंडोज़ सिस्टम पे लगा के, तो शायद फॉर्मेट नहीं होगी। 90% केसेस में वो पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं होगी। अगर वही पेन ड्राइव आप विंडोज़ सिस्टम में ही लगा के कमांड के थ्रू फॉर्मेट करोगे, तो कमांड के थ्रू फॉर्मेट हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि अगर लिनक्स में कमांड के थ्रू आप जा रहे हो, तो बहुत कुछ कर सकते हो। एंड दोस्तों, क्या होता है, लिनक्स इंस्टॉल करना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। अगर वहीं पे मैं बात करूं अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप लोग नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हो, लेकिन जो यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको इंस्टॉल करना ही बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एंड अगर वो एक लेकिन इसमें एक इसका एडवांटेज भी होता है, कर कंप्लीट टास्क है, जो भी कुछ भी है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट थोड़ा सा इंस्टॉल करना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसका, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सीखोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बात करूँ लिनक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लिनक्स में ज़्यादा ही डिमांड है जॉब्स की। और इसमें अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज की, तो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है लिनक्स एडमिन वगैरह जो होते हैं। तो अगर दोस्तों यहीं पे मैं बात करूँ ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह की, जैसे कि हेल्प सेंटर्स वगैरह होते हैं या कस्टमर केयर बोलें सीधी लैंग्वेज में, तो इसमें आपको ऑनलाइन मिलेंगे या उनकी वेबसाइट पे जाके मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको पेड सपोर्ट भी मिल जाता है एक अलग से इंक्लूड फीचर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको ऑन स्पॉट चाहिए सारा कुछ, तो एक विंडोज़ में आपको पेड फीचर्स भी मिल जाता है। एंड जो विंडोज़ एडमिन होता है, यानी कि जो यूजर प्रोफाइल होता है, वो किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को चाहे तो बहुत ही कम टाइम में इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये क्या करता है, एक पॉपअप आके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड टाइप का होता है कि बार बार पॉपअप आता रहता है या और कोई प्रॉब्लम, या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो बेसिकली इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूँ सिक्योरिटी पर्पज़ से, तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोर सिक्योर होता है वायरस और हैकर से।
क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस तो बहुत ही 99.99% तो वायरस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आते हैं। अगर बात करूँ हैकर्स के, तो हैकर्स बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हैक करना, और इतनी आसानी से हैक वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वही बात करूँ मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस भी आ जाते हैं और सिस्टम हैक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जो है लेस सिक्योर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद ऑल प्रेस करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद भी अगर कोई आपका कोई कमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और वहाँ से मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको मेरी मेल आईडी चाहिए तो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर मेरी मेल आईडी फाइंड करके और मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई दे देता हूँ। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अगर अब वो है कुछ है इस तरीके का तो वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और देखते हैं उस पर क्या रिप्लाई बनता है। मेरा लास्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड।